खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र के रण में बीजेपी और शिवसेना का मुकाबला है। गठबंधन एक है लेकिन चुनावी वादे अलग अलग हैं। बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब पूरा जोर प्रचार से बीजेपी के लिए माहौल बनाने पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। गडकरी खुद विदर्भ के नागपुर से आते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने नितिन गडकरी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति पर बातचीत की, आप भी सुनिए। हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ चुनाव अभियान पर निकले हैं, विदर्भ जा रहे हैं। नितिन जी, इस बार जो गठबंधन था उसका ऐलान नहीं हुआ, क्या इसकी बड़ी वजह ये थी कि शिवसेना को जो सीटें मिली वो अभी तक के गठबंधन के इतिहास में सबसे कम सीटें मिली हैं, और अगर इसका औपचारिक रूप से ऐलान होता तो उनके लिए शर्मिंदगी का विषय होता जी? नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। गठबंधन हुआ है और उसके अनुसार हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब गठबंधन हुआ ही है, फाइनल हुआ है, सीटों का बंटवारा हुआ है, तो डिक्लेयर करना नहीं करने में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और केवल चुनावी गठबंधन के लिए अलायंस नहीं हुई है। अलायंस की शुरुआत हिंदुत्व के विचार के आधार पर हुई थी और उसी के आधार पर आगे अलायंस चल रही है, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार ना काफ़ी बड़े नेताओं का टिकट पार्टी ने काट दिया। विनोद तावड़े जो एक समय मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनका टिकट काटा गया। बावन पुले जो कि नागपुर से ही आते हैं, आपके करीबी माने जाते हैं, उनका टिकट काटा गया। आपके एक और मुंबई से पूर्व विधायक रहे राजपुरोहित जी का, उनका टिकट काटा गया। ये बड़े नेताओं के टिकट काट के आखिर लीडरशिप क्या संदेश देना चाहती है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, किसको टिकट देना ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का और पार्टी के नेतृत्व का अधिकार होता है। जो भी निर्णय है उसके बारे में पार्टी में ही चर्चा होती है, पार्टी के बाहर करना उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पार्टी ने ये जो निर्णय किया है वो पार्टी के हित में किया है, ऐसा समझकर आगे जाना चाहिए। शिवसेना ठाकरे परिवार से पहली बार कोई चुनाव मैदान में उतरा है, आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना प्रोजेक्शन कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री उसका होगा। सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री का दावा ठोकेंगे शिवसेना की तरफ से? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस दोनों मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से शिवसेना भी स्वीकार करती है और देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही नई सरकार बनेगी, जिसमें जरूर शिवसेना को सेकंड हमारे पार्टनर के रूप में वो है ही, तो उनके भी मंत्री होंगे। आदित्य ठाकरे मंत्री भी बन सकता है या और कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, पर निश्चित रूप से देवेंद्र के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना युति की सरकार फिर से बनेगी, यही हम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। और देवेंद्र जी ने 5 साल अच्छा काम किया है और इसलिए मुझे विश्वास है कि ये मैंडेट उनके नेतृत्व को भी है और पार्टी को भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जीत होगी, ये मेरा विश्वास है, और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कल देवेंद्र जी ने हमको एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बोला कि अगर उद्धव ठाकरे कहेंगे तो वे आदित्य ठाकरे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो क्या ये भी ऑप्शन खुला हुआ है अभी? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने किसको मंत्री बनाना, उप मुख्यमंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, विशेष अधिकार होता है, और देवेंद्र जी उस अधिकार के आधार पर जो भी निर्णय वो कर सकते हैं। धारा 370 सरकार बनाते ही आपने, आपकी सरकार ने उसका निराकरण कर दिया। राम मंदिर पर फैसला आने ही वाला है, क्या ये माना जाए कि राम मंदिर पर फैसला जो आएगा, जिस तरह से बहस चल रही है, सबूत राम मंदिर के पक्ष में है, लेकिन उसके बाद जो तीसरा कोर इशू था समान नागरिक संहिता, क्या इसी सरकार में वो उसको भी ख़त्म होते या उसको भी लागू होते हुए हम देखेंगे? देखिए, मैं आपको सही कहूँगा कि हमारा जो एजेंडा था और जीवन के अनेक सालों तक हमारे पार्टी के नेताओं ने जिसके लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने इस बार ये 370 रद्द करके एक प्रकार से देश के जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा भेंट दिया है, और सभी राष्ट्रवादी लोगों को बहुत खुशी है, समाधान है। और मुझे लगता है कि राम मंदिर का निर्णय तो अब कोर्ट में है और ये तो हाईकोर्ट में सिद्ध हुआ था कि वो मंदिर है, निश्चित रूप से निर्णय आएगा, और ये निर्णय आने के बाद सामोपचार, समन्वय,
और सबके सहयोग से राम मंदिर बनेगा, ये मेरा विश्वास है। रही समान नागरिक कानून की, इसके बारे में भी सभी प्रकार के धर्म के लोग अब कह रहे हैं, मुझे लगता है उचित समय पर जब ऐसी बात आएगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री बाकी सभी लोग इसका जरूर विचार करेंगे। पर यह कब करना, क्या करना, कैसे करना, ये ऐसे सवाल जवाब में तो नहीं कहा जाएगा, पर यह हमारे एजेंडा में था, ये लोगों की अपेक्षा भी है, एक दिन निश्चित रूप से ये होगा, ये मेरा विश्वास। सरकार में पूरा हो सकता है, ये कब होगा ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा, पर ये हमारा जो हमारा कन्विक्शन है कि इस देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, ये निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नितिन गडकरी जी थे, जिनका कहना है कि धारा 370 को उनकी सरकार ने सरकार में आते ही हल कर लिया। राम मंदिर अगले कुछ महीनों में साकार रूप ले लेगा और समान नागरिक संहिता भी जल्द ही इसको भी सरकार लागू करेगी। कब होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ज़रूर इस तीसरे कोर इशू को भी सरकार जल्द हल करेगी। विकास भदौरिया, ABP News, नागपुर।